शनि की क्रूर दृष्टि से कटा था भगवान गणेश का सिर। भगवान गणेश को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण उनका मुख गज यानी हाथी का होना है। भगवान गणेश के हाथी के सिर होने की एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव से अपने ही पुत्र का सिर कट गया था और उसके बाद उन्हें हाथी का सिर लगाया गया था। भगवान गणेश का स्वरूप विलक्षण और मंगलाकारी माना जाता है। भगवान गणेश को बुद्धिमान माना जाता है और उनसे जुड़ी अनेकों कथाएं हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था तो वो मस्तक कहाँ चला गया? एक कथा अनुसार माना जाता है कि माता पार्वती ने जब भगवान गणेश को जन्म दिया तब इंद्र चंद्र सहित सारे देवी देवता उनके दर्शन की इच्छा लेकर प्रकट हुए। सभी देवताओं में शनि देव भी आए, जिन्हें श्राप मिला हुआ है कि इनकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसे हानि होगी। इसी श्राप के कारण जब शनि देव ने गणेश जी को देखा तो उसी समय भगवान गणेश का मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसी की तरह एक दूसरे प्रचलित प्रंसक के अनुसार माता पार्वती ने अपने तन के मैल से गणेश का स्वरूप तैयार किया था और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। भगवान शिव को गणेश जी ने अंदर जाने से रोका तो अनजाने में उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। सिर कटने के बाद वो अपने आप चंद्र लोक में चला गया। माता पार्वती को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई। माता के क्रोध को शांत करने के लिए गणेश जी को गज का मुख जोड़ा गया। माना जाता है कि गणेश का मस्तक चंद्रमंडल में है और इसी मान्यता के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन या उसे अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा किया जाता है।